आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में कि क्या क्या टाइप्स हैं इम्यूनिटी के। सो ह्यूमंस हैव थ्री टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट इज इनेट, सेकंड इज अडेप्टिव एंड थर्ड इज पैसिव। सो इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इनेट, सेकंड इज अडेप्टिव एंड थर्ड इज पैसिव। सो फर्स्ट इम्यूनिटी इज दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। हम ऐसे नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं या इसके नाम से इसको जानते हैं। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल है, हमें जन्म से ही मिलती है माँ के साथ। सो ये लाइन कह रही है एवरीवन इज बोर्न विद इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, एवरीवन। सो हर कोई नेचुरल इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है, अ टाइप ऑफ जनरल प्रोटेक्शन। ये कैसा टाइप है? बेसिक जनरल प्रोटेक्शन, जो हर कोई इसके साथ पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है द स्किन एक्ट एज अ बैरियर ब्लॉक जर्म फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज व्हेन इन इन्वेड्स आर फॉरेन एंड कुड बी डेंजरस। सो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है जो स्किन होती है, द स्किन एक्ट एज अ बैरियर। जो हमारी स्किन होती है वो नेचुरल होती है, इसे हम जन्म से ही मिलती है हम सबको। तो जो स्किन क्या होती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। क्यों? किससे? जर्म से। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जर्म एंटर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास स्किन है। सो द स्किन एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर की तरह काम करती है टू ब्लॉक जर्म, जर्म को अंदर नहीं घुसने देती, फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, बॉडी में पास आउट नहीं होने देती। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज व्हेन द इन्वर्स आर फॉरेजन एंड कुड बी डेंजरस, बिकॉज पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हैं। सो स्किन इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें जन्म से मिलती है। सेकेंड इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। पहले हमने पढ़ा था नेचुरल या फिर इनेट इम्यूनिटी, और जो सेकेंड है वो क्या है? अडेप्टिव। इसको हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं क्योंकि इसे आर्टिफिशियल की तरह से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वो नेचुरल होती है, वो हमें जन्म से मिलती है, पर जो अडेप्टिव होती है इसे हम खुद अडेप्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द अडेप्टिव इम्यूनिटी? अडेप्टिव और एक्टिव इम्यूनिटी डिवेलप थ्रू आउट आवर लाइफ्स। वी डिवेलप अडेप्टिव इम्यूनिटी व्हेन वी आर एक्सपोज टू डिसीज और व्हेन वी आर इम्यूनाइज अगेंस्ट द विद वैक्सीन। क्या होता है, हम जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैसे करती हैं, खुद डेवलप करते हैं। जैसे कि हम कभी भी डिसीज हो, हमें कभी भी डिसीज होती है तो हम क्या करते हैं, उस डिसीज के अगेंस्ट खिलाफ वैक्सीन लगवाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल, जो वैक्सीन होती है वैसे भी आर्टिफिशियल होती है, बहुत है। सो दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो वैक्सीन, वैक्सीन से पता चल जाएगा ये हमें, वैक्सीन तो हम खुद ही डेवलप की है किससे, डिसीज से बचाने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टिव। सो थर्ड इज पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी इज अ बैरो फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो टेम्पोरेरी होती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती है। सो पैसिव इम्यूनिटी इज बैरो फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इज लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम किसी अनदर पर्सन से इम्यूनिटी को ले रहे हैं,
दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज इन अ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क गिव अ बॉडी टेम्पोररी इम्यूनिटी टू डिसीज द मदर हैज़ बिन एक्सपोज टू. जो मदर के मिल्क में क्या होते हैं एंटीबॉडियाँ होती हैं, तो जो उसे बेबी लेता है तो उस बेबी को एंटीबॉडी मिलती हैं और उसकी उसे डिसीज से प्रिवेंशन होने के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है. तो इस इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे. पर ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. नोट द इम्यून सिस्टम टेक अ वाइल टू डेवलप एंड नीड हेल्प फ्रॉम वैक्सीन बाई गेटिंग ऑल योर चाइल्ड्स रिकमेंडेड वैक्सीन ऑन टाइम. यू कैन हेल्प कीप योर चाइल्ड एज हेल्थी एज पॉसिबल. हमें अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन की बहुत हेल्प होती है, तो हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.